हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास मैम, आई एम समर सिंह। तो बच्चे, हम 9th क्लास की बुक इट्स सो हैपन पढ़ रहे हैं और इसका लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। और हमने इस फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वो किस तरह से वो पंचायत, तीनों जानवर मिलके पंचायत करते हैं, फिर वो जिन आता है, जिन उसको बोलता है कि जिनके सामने शिकायत कंप्लेंट करते हैं अपने कि वहाँ पे ऐसे एक लंबी गर्दन वाली, लंबी टांगों वाली कोई चीज़ है जो काम नहीं करता है। तो वो समझ आता कि ये कैमल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि बार बार में जब भी हम उसके पास काम करने के लिए जाते हैं तो हम बोल देता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर ही सेज, ही कहता है कि ही वॉन्ट पोलो ओक्स ने कहा, वो हर बार क्या बोलता है, हम बोल देता है। तो जिन ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, मैं उसको हम्प कर देता हूं। तो आगे देखते फिर ये स्टोरी क्या बोलती है आगे, ध्यान से देखिए। जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक, आपको पता है कि वो किस तरह से इस तरह से धूल में उड़कर आता है, धूल में उड़कर जाता है, रोल कर लेता अपने आप को। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट की तरफ चल पड़ता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और फिर क्या बोलता है, अपने आप को कैमल को, उस कैमल ने पाया कि कैमल अपना रिफ्लेक्शन समझते हो, जो प्रतिछाया होती है, जो हूबहू सकल सूरत किसी दूसरे सामने वाले मीडियम में दिखाई देते, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पानी के अंदर जैसे आपको भी पता है, जैसे छाया, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, जैसे ये गया, ये अपना जिन गया, उसने देखा कि कैमल पानी पी रहा है और वो अपनी प्रतिछाया को देख रहा है। तो आगे, माय फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा, हे मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस, ये क्या है, आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैं आपके बारे में सुन रहा हूं तुम काम नहीं कर रहे हो। जिन सेट डाउन, जिन नीचे बैठ गया, विद हिज चिन इन हिज हैंड, इस तरह से चिन ठोड़ी पर हाथ लगाकर बैठ गया। वाइल द कैमल लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जब कैमल अपना रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देख रहा था, पूल होता जोर तालाब। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, ये बोलता है कि तुम्हारी बेकारी के कारण तुम उन तीनों को तुम्हारे कारण एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, सिंस कमल होता तब से अब तक, कहने वाला मंडे से लेकर अब तक काम करना पड़ रहा है तुम्हारे आइडलनेस कमल होता, तुम्हारे आलस्यपन के कारण, बेकारपन के कारण। सेड द जिन, जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चेन इन हिज हैंड, और वो अपनी ठोड़ी पर हाथ लगाकर सोचता रहा, वेंट ऑन थिंकिंग, सोचता रहा। आगे देखिए, हम्प सेड, कैमल ने कहा, हम्प आई सुरंट से, मुझे कहना चाहिए कि अगेन, यदि दोबारा, इफ आई वर यू, ये इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आई के साथ में वर आया हुआ है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब एक तुलना के एक कोरी कल्पना की जाती है, कैमल ने उसको कहा हम्प, अब ये क्या बोलता है, सेड द जिन, जिन कहता है, यदि मैं तेरी जगह होता तो यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, यू माइट, तुमने इसको बहुत बार बोल दिया है, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूं। इसने कहा ना, इफ आई वर, यदि मैं तेरी जगह होता तो आई शुडंट से दैट, मैं उसको दोबारा बार बार नहीं कहता, लेकिन तुमने तो एक बार की बार बार तुम उसको रिपीट कर रहे हो, और मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूं। एंड द कैमल सेड, और कैमल ने कहा, हम्प अगेन, दोबारा फिर उसने क्या कहा, हम्प, बट नो सूनर हैड ही सेड, इतना जल्दी हुआ भी नहीं था उसे कहे हुए, ही सा हिज बैक, उसने अपनी बैक पर देखा कि वो सो प्राउड ऑफ, जिस पर इतना घमंड हुआ करता था, पफलिंग अप इन टू ए ग्रेट बिग हम्प, वो धीरे धीरे करके ऊपर उठते गई, उभरती गई, और एक बड़ा सा हम्प तक खूबड़ बन गया। डू यू सी दैट, क्या तुमने देखा, सेड द जिन, जिन ने कहा, देखा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, यही तुम्हारा हम्प है, यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, बिना काम के हुए तुमने अपने ऊपर इसको उगा लिया है, ले आए हो। आगे है, टुडे, आज इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन
नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से अब तक कोई काम नहीं किया है। वेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। अब तो काम, अब क्या बोला उसने कि अब तो काम जरूर करेगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मैं इस हम्प के साथ कैसे काम कर सकता हूं। दैट हैज ए परपज, सेड द जिन, जिन ने कहा इसका भी कोई उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज थ्री डेज, जो तुमने उन तीन दिनों में काम को मिस किया है। यू विल बी एबल टू वर्क, तुम अब काम करने सक्षम हो जाओ, करने लायक हो जाओगे। नाउ फॉर थ्री डेज विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए। कहने बोला अब तो इस कुबड़ का भी एक फायदा है कि तुम बिना तीन दिन तक खाए पिए रह सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, और तुम अपने हम्प पर ही जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और यह मत कहना कभी मैं, ये कहना मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ। एंड गो टू द थ्री, उन तीनों पास जाओ। एंड बिहेव, बिहेव करो, व्यवहार करो, व्यवहार का मतलब जो आपको काम सौंपा जाता है उसको करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए वहां से चल पड़ता है। सॉरी। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, उस दिन से आज तक कैमल पर एक हम्प रहता है। हम्प के बजाय हम इसको हम्प कहना पसंद करते हैं ताकि उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज दैट ही मिस्ड एट बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और इसने क्या क्या कह रहा है कि उसने वे तीन दिनों के साथ, ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज, उन तीन दिनों में जो कुछ उसने नहीं कर पाया है, ही मिस्ड एट बिगिनिंग द, जो दुनिया की शुरुआत में जो मिस कर गया था, एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू गो, इसलिए वो व्यवहार करना नहीं सीख पाया है। कहने मतलब जो स्टार्टिंग में जब आदमी ने उनको काम दिया तो कुत्ता हॉर्स और बैल को ने तो काम करना स्टार्ट कर दिया था और वो अपना व्यवहार करना सीख गए थे, लेकिन कैमल ने उन तीन दिनों को मिस कर दिया, उन तीन दिनों का काम को मिस कर दिया, जिससे वो व्यवहार नहीं कर पाया। तो ये एक रुडयार्ड किपलिंग की के द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छी एक स्टोरी है ये। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अपनी सॉफ्ट कॉपी बनाते रहना और इन क्वेश्चनों को समझेंगे, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएंगे। तो बेटा ये आपका एक फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, सेकेंड लेसन भी बहुत जल्द करवाएंगे, तब तक अपने घर पे काम करते रहिए, नोटबुक करते रहिए, हाँ चेक करवाने के लिए आप अपना काम भेजते रहिए टीचर्स के पास में या मेरे पास में, मैं चेक कर लूँगा। तो ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद। तो स्टूडेंट्स, जितना आज हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे दो ही क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आइए उनको देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन, द कैमल सेड हम रिपीटेडली, बार बार रिपीट करता था कि हम, एक बार जैसे ओक्स गया उसने कहा कि आओ चलो हम खेत को या फिर जमीन को जोत लेते हैं, उसने कह दिया हम। एक बार कुत्ता उसके पास रिक्वेस्ट लेके गया तो उसने फिर हम कह दिया था। आखिरकार जब जिन भी उसके पास गया तो उसने भी क्या कह दिया था, हम। तो बार बार मैं इसे कह रहा था, तो हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, अफेक्ट होता प्रभाव डालना, तो इस बात ने, हम की जो बात थी बार बार कहने की, इस बात ने इसको कैसे प्रभावित किया, आइए देखते हैं। आंसर विल बी इन द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, बाय सेइंग हम कहकर, कैमल वॉज एबल टू अवॉइड वर्क, एबल टू होता सक्षम होना, सकता था, एबल वॉज एबल टू कमी हुआ सकता था, द कैमल अवॉइड होता बचना, किसी चीज से बचना, जैसे काम से बच गया ये, अब इसका मीनिंग है काम से बच जाता था। यहां पे कुड भी लगा सकते हैं, द कैमल कुड अवॉइड वर्क, इसका मीनिंग हो गया वह काम से बच सकता था, इसका भी यही मीनिंग है वॉज एबल टू का भी। तो बट लेटर, लेकिन बाद में
He was punished, उसको सजा दे दी गई for it, इस चीज के लिए. He got a hump, उसको क्या मिल गया, एक हम्पर. हम्प होता कुबर. और his back, उसकी back पे. And he had to work also, उसे काम भी करना पड़ा. ये इसके ऊपर प्रभाव पड़ा. वो बार बार में जिस तरह से हम्प इस तरह से बोला था, तो उसको ये चीज भुगतनी पड़ी. एक तो उसको पुनिश कर दिया गया, और साथ उसको एक हम पुनिश देकर उसके पीठ पर क्या आया, एक कुबड़ हो गया, और उसे काम भी करना पड़ा. एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू जिन व्हाट वाज द यूज ऑफ द हम्प. हम्प का क्या लाभ था, किसके अनुसार, जिन के अनुसार. जिन ने क्या कहा था उसको, अब ही कुड वर्क फॉर 3 days. उसने कहा कि अब भाई तू ऐसा है 3 दिन तक काम कर सकता है विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए. बिकॉज क्योंकि ही कुड लिव ऑन हिज हम्प. उसने कहा कि अब तू बिना खाए पिए 3 दिनों तक काम कर सकता है, और इसी पर अपना जीवित रह सकता है, अब तुझे ज्यादा भूख प्यास नहीं लगेगी. तो आंसर क्या हुआ फिर, अब ही कुड वर्क, अब वह काम कर सकता था फॉर 3 days विदाउट ईटिंग फूड, बिना कुछ खाए पिए. बिकॉज क्योंकि ही कुड लिव ऑन हिज हम्प, क्योंकि अब वो अपने हम्प पर जीवित रह सकता था. तो बच्चे हमने फर्स्ट लेसन पूरा कर लिया है. तो इस लेसन के अपने क्वेश्चनों की वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग भी लिखवा रहा हूं साथ साथ में. तो बेटा पूरे अच्छे से एक नोटबुक तैयार करो और घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ाई करते रहिए. काम करने बाद में मेरे पास व्हाट्सएप जो नंबर है 8529709088 पर आप इस नोटबुक को सेंड करिए, ताकि मैं चेक करके बता सकूं यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग. ओके, तो स्टूडेंट्स तब तक घर पर सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो सेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.